बच्चे सब जाग गए हैं और सब मस्ती कर रहे हैं बैठ के यहाँ। आज फूफी के आ गया शायान। Hey guys, good morning and welcome to my new vlog. Good morning guys. सुबह सुबह ही जाग गया था 6 बजे, लेकिन यहाँ एक बार फिर से बारिश हुई है बहुत नोएडा में, तो दोबारा से सो गया और अब जागा हूँ 10 बजे। 10 बज गए हैं और आज निकलना भी है दिल्ली के लिए। बहुत मस्ती की शायान ने, रात को सुमायरा का बर्थडे भी था, तो हालांकि हम लोग लेट हो गए केक कटने में। Now it's all just you got me on black. बहुत मस्त व्यू है यहाँ से, आप देखें शानदार, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन और चारों तरफ ऊंची ऊंची लंबी लंबी इमारतें। बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे। आज मैं आ गया हूँ सिस्टर के घर, भैया का घर, और सिस्टर का घर जो है आसपास में ही है, तो उनका जो फ्लैट है दूसरी सोसाइटी में है, और 2 दिन मैं वहीं पे था और यहाँ पे अभी ये दूसरी सोसाइटी में है, तो रात को यहीं स्टे किया था। बहुत मस्ती चल रही है। बच्चों का ब्रेकफास्ट भी चालू हो गया। समायरा ब्रेकफास्ट कर रही हो, क्या खा रही हो? समायरा और शायान अपना ही व्लॉग देख रहे हैं इस वक्त। 11:30 हो गए हैं और अब मैं चाय पी रहा हूँ इस वक्त, और यहाँ से अब मुझे भैया के घर फिर से जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे शायान बैट भूल के आ गया है, तो वहाँ से बैट लेने के बाद इसे घर भी निकलना है। तो चलो अभी फिलहाल हम बैट लेने के लिए चलते हैं, और उसके बाद आके शायद शायान थोड़ा सा बॉक्स के पिछले खेलेंगे। चलो गाइस, अब शायान का बैट ले आ जाए, क्योंकि बैट आएगा तभी तो यहाँ पे प्रैक्टिस भी करेंगे। Now it's all just... नीचे आ गए हैं और बस यहाँ से अब थोड़ी ही दूरी पे है, ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस है। काफ़ी मज़ेदार ट्रिप रहा हमारा अभी तक, बहुत इन्जॉय किया। अब जाकर के फिर ज़बरदस्त प्रैक्टिस करनी होगी, शायान की प्रैक्टिस, और मैचेस भी अब थोड़ा सा पोस्टपोन्ड कर दिया था। लास्ट संडे को भी मैच था शायान का, वो भी पोस्टपोन्ड कर दिया था घूमने के चक्कर में। तो चलो अब एक बार फिर से मैच और प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपरली। प्रैक्टिस तो अभी भी कर रहा है शायद, लेकिन प्रॉपरली जो प्रैक्टिस होती है नेट्स के अंदर पूरे क्रिकेट गियर्स के साथ, वो अभी नहीं हो रहा है फिलहाल। लगभग पहुंच गया हूं मैं भैया के घर के पास ही, मैक्सिमम 5 मिनट्स लगते हैं, बिल्कुल रोड के इस पार और उस पार का मामला है। तो चलो अब जल्दी से बैट ले लेते हैं। बच्चे तो सब स्कूल चले गए हैं, बैट लेना है और फिर निकलना है यहाँ से। आज जाना भी है दिल्ली, अब देखते हैं लंच करके जाते हैं या पहले जाते हैं। शायान कह रहा है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करना है, बॉक्स क्रिकेट लास्ट टाइम खेला था तो उसको बहुत मन कर रहा है, तो चलो अभी देखते हैं क्या होता है। फिर से दोबारा से ये तुलसी वाली चाय, लेमन टी। चलो गाइस, बैट भी ले लिया, अब चले फटाफट। धूप भी काफी निकल गई है, बहुत तेज धूप हो गई है। अब आ गए हैं सब्जी की दुकान में, अब सब्जी भी ले लिया, अब सीधा घर चलते हैं, खेलते हैं क्रिकेट। शॉर्टकट, बिल्कुल शॉर्टकट रास्ता है, ये अंदर पार्किंग है। शायान इंतजार कर रहा होगा क्रिकेट खेलने के लिए। क्या यार, ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, धूप के ऊपर बादल, धूप निकल चुका है। यहीं पे हम लोग अभी आएंगे क्रिकेट खेलने के लिए। इस गर्मी में क्रिकेट देखना होगा पर मजा आएगा, कोई नहीं, क्रिकेट तो क्रिकेट है, उसके लिए तो धूप हो गर्मी हो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्रिकेट खेलने के लिए शायान निकल गए एक बार फिर से, हालांकि बाहर काफी धूप है ना शायान, काफी धूप लग रही है। ये देखो अभी हम लोग जस्ट पहुंचने वाले हैं नीचे, काफी ऊंचाई पे हैं। अरे यार, मैं चश्मा भी ले आया
यहाँ पे लगा दो। बच्चे रेडी है, सनाया भी आज खेलेगी। सनाया बैटिंग करोगी? नहीं। दोपहर के 1 बज गए हैं और लंच से पहले शायान ने बोला आज क्रिकेट खेलना है तो चलो। अरे यार पोपट हो गया, ये लॉक लगा हुआ है यार ये तो। चलो पूछते हैं, गार्ड से पूछते हैं। सनाया वाला शेयर कर लो। शायान ब्रेक ले रहे हैं, मजा। जब तक लॉक खुलेगा तब तक थोड़ा सा रिफ्रेश हो रहे हैं शायान और सनाया। बास्केटबॉल का कोर्ट बना हुआ है, इसके अंदर क्रिकेट कॉस्को बॉल से प्रैक्टिस करने में बहुत मजा आता है। अभी फिलहाल लॉक लगा हुआ है और अब गार्ड साहब लेने गए हैं चाबी। इतनी सारी कीज हैं, इनमें से ढूंढना है। चलो चेक कर लो। आ जाओ, खुल गया। चलो ये है बास्केटबॉल कोर्ट जहाँ पे कि आज हम खेलने वाले हैं क्रिकेट शायान के साथ। ये देखो शायान भी बिल्कुल फुर्ती में आ गया। अब ग्राउंड के अंदर आते ही शायान की जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। शायान स्टंप लगा दो। सनाया बास्केटबॉल खेल रही है कॉस्को बॉल से और शायान स्टंप भी लेके आ गए हैं। कोने में स्टंप भी रखा था, क्या बात है। पूरी तैयारी कर रखी है लोगों ने पहले ही हमारे क्रिकेट खेलने के लिए, क्या बात है, क्या बात है। बास्केटबॉल कॉस्को बॉल से बास्केटबॉल। ओ चलो आ जाओ यार, बास्केटबॉल ही खेलते रहोगे, क्रिकेट खेलें। शायान बिल्कुल तैयार हो गए हैं आज एक बार फिर से बॉक्स क्रिकेट खेलने के लिए। शायान ग्लव्स भी पहन लिए और स्टंप भी लगा दिए। तो चलो आज देखते हैं शायान किस तरह के शॉट्स लगाता है। शायान का क्रिकेट भी हो गया है, अब वो आराम से अपना फेवरेट कार्टून कौन सा है, डोरेमोन देख रहा है। चलो गाइस लंच टाइम हो गया है, अब लंच भी कर लेते हैं। काफी दिन से सिर्फ मटन चिकन ही चल रहा था तो आज सादा खाना खा रहे हैं, दाल चावल। अरे वाह, शहर आ गई स्कूल से, क्या बात है। कैसा हुआ एग्जाम आज? पेपर था, एग्जाम था। इंग्लिश का टेस्ट था। कितने बजे गई थी स्कूल? मैं मुझे सोता हुआ छोड़ के चली गई स्कूल, मुझे जगा तो देती, मैं देखता कौन से बस से जाती हो तुम। हाँ बेटा बोलिए। बोरिंग लग गया, क्यों जाना नहीं चाह रही थी आज? अच्छा मामू के साथ खेलना था। चलो कोई बात नहीं, अभी हम खेलेंगे ठीक है। आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ ठीक है, जल्दी से फ्रेश हो जाओ और ड्रेस चेंज कर लो और फिर हम खेलेंगे ठीक है। चलिए बोल दो गाइस मैं अभी आई फ्रेश होकर। मायरा बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत सारा मस्ती करती रहती है। वो डोरेमोन देख रही थी अभी है ना? अच्छा तो अकेले अकेले देख रही थी, मामू को नहीं दिखाया। बाय बाय, अल्लाह हाफिज। चलो गाइस अब हम लोग दिल्ली की ओर निकल चुके हैं, काफी लंबी वैकेशन हो गई 3-4 दिनों की। Now it's all just you got me on blast. You're over it. I've been done.
चार दिनों की छुट्टी के बाद एक बार फिर से हम लोग निकल चुके हैं वापस दिल्ली की ओर। बहुत ही सुहाना सफर है, बहुत ही शानदार और स्मूथ राइड, बहुत ही खूबसूरत और ऊंची ऊंची इमारतें बिल्कुल सामने हमारे आप देख सकते हो, और बादलों के पीछे ये सूरज, बहुत ही खूबसूरत दृश्य। आज तो लगता है अब प्रैक्टिस जाएगी, क्योंकि आज हम लोग 6:30 बज जाएंगे घर पहुंचते पहुंचते, क्योंकि अभी 5:20 ऑलरेडी हो चुके हैं और यहां से कम 1 घंटे की जर्नी है। शायान पीछे बैठे हैं, सनाया और साइशा भी, और सबसे पीछे ये देखो बिल्कुल ये बॉस शायान की मम्मी। ठीक है, तो चलो अब हमारी जर्नी चल चुकी है, अब शायान भी कुछ ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो अब हम शायान को, ओवर टू शायान। चार पांच दिनों से मैं ईद की छुट्टी पे आया हुआ था। सबसे पहले मैं ताऊ के घर गया और उसके बाद फूफी के भी घर गया था, और मैंने बहुत सारा मज़ा किया, स्विमिंग भी करी, साइकिलिंग भी करी और क्रिकेट भी खेला। हमने 4-5 व्लॉग्स अपलोड किए हैं, आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा कमेंट करके बताओ, स्विमिंग का, साइकिलिंग का या फिर क्रिकेट का। अब हम दिल्ली के लिए निकल चुके हैं और शायान ने अभी छुट्टियों में इतना सारा कुछ किया है, स्विमिंग किया और स्विमिंग पूल से तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था, वहाँ जाके बिल्कुल अटक ही गया था वो, तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे सबसे अच्छा पार्ट ये लगा कि शायान ने बस एक ही दिन में इतने अच्छे से स्विमिंग करने लगा था वो, और अगर वो कुछ दिन और रुकता तो शायद वो और भी अच्छे से सीख जाता। फूफी के घर जब आया तो वहाँ पे भी स्विमिंग कर सकता था, बट क्या है ना, अब हमें इतने दिन तो हम रुक नहीं सकते, तो आज हमें निकलना भी था, तो चलो अब नेक्स्ट टाइम आएंगे फिर, अभी आना जाना तो चलता ही रहेगा। यहाँ पे मस्ती करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत इंजॉय किया, साइकिलिंग तो ये छोड़ ही नहीं रहा था ना, शायान ने बहुत साइकिलिंग करी, अगर किट लेके आते तो और भी मजा आता ना, किट के साथ वहां पे नेट्स भी है तो हम लोग काफी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाती, वैसे हमने कॉस्को बॉल से काफी प्रैक्टिस करी। Nothing or something and now it's drastic. Don't tell your friends. Guys, हम लोग बिल्कुल घर के पास पहुंच गए हैं, बस मुश्किल से 5 की यहाँ से जर्नी और बची है। I hear you just thought we could, but we could never be friends. Guys, finally Delhi पहुंच गया हूँ, और मतलब घर की चाय ना मिले तो सुकून नहीं मिलता, सब कुछ तो चल जाता है लेकिन मुझे घर की चाय, ये वाली जो साइशा की मम्मी बनाती है, कहीं भी नहीं मिलता है। तो चलो मैं चाय एंजॉय करता हूँ और आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। लाइक शेयर जरूर कर देना और अगर पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर देना। गाइज, हम लोगों ने कम से कम 4-5 व्लॉग्स बनाए हैं, शायान की बैटिंग के भी वीडियोस आए हैं, आप हमें कमेंट करके बताओ कि इनमें से आपको सबसे बढ़िया कौन सा व्लॉग लगा।